सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह अपने आईफोन के अंदर हम सारी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। सारी ऐप्स से मुराद ये है कि ये जो होम स्क्रीन के ऊपर आपको जितनी ऐप्स नज़र आ रही हैं, इनको हम किस तरह से लॉक कर सकते हैं कि कोई और उसको देख ना सके। सारी ऐप्स को या फिर किसी सोशल नेटवर्क को आप अगर लॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद हम आएंगे स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम आने के बाद हम करेंगे कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन। इसके ऊपर आने के बाद हम करेंगे कंटेंट रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन में आने के बाद देखें ये ऐप्स आ रही है, इस पर आ रहा है अलाउ ऑल ऐप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आके क्लिक कर देंगे 4+ ऐप पे, तो यहाँ से हमारी सारी सोशल मीडिया गायब हो जाएगा। ये देखें सारा सोशल मीडिया मेरे पास से गायब हो गया है, कोई यहाँ पे सोशल मीडिया की ऐप नज़र नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के अलावा बाकी तमाम ऐप्स भी लॉक हो जाएं, तो उसके लिए हम आएंगे दोबारा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स आने के बाद कंटेंट एंड प्राइवेसी लॉक, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद ऐप्स में आने के बाद डू नॉट अलाउ ऐप्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखें सारी ऐप्स गायब हो जाएंगी। देखें सारी ऐप्स गायब हो चुकी हैं यहाँ से। यहाँ पे सारी वो ऐप्स नज़र आ रही हैं जो आईफोन की बिल्ट इन ऐप है। अब हम इसको वापस इसी तरह लाएंगे, बिल्कुल कंटेंट प्राइवेसी, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आने के बाद ऐप्स, अलाउ ऑल ऐप्स, यहाँ से हम सारी ऐप्स को लाएंगे वापस। इससे हमारी सारी ऐप्स वापस आ जाएंगी। तो ये देखिए हमारी सारी ऐप्स वापस आ चुकी हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।